प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत मध्य रेल नागपुर मंडल के तत्वावधान से सीताबड़ी रेल स्टेशन पर एक घंटे के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस वक्त विधायक मोहन मते समेत मध्य रेल के DRM तुषार पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि पूरे देश में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में नागपुर रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 1 अक्टूबर के अवसर पर 1 तारीख 1 घंटा श्रमदान अभियान चलाया गया। इस समय रेल पदाधिकारी एवं कर्मचारी समेत विधायक मोहन मते ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां जानकारी देते हुए DRM तुषार पांडे ने बताया कि सियासी जन प्रतिनिधियों के सहायता से यह अभियान पूरे रेल प्रशासन में चलाया जा रहा है, जहां विधायक मोहन मते ने इस अभियान को शुभकामनाएं दी। आज सबसे पहले 10 से 11 के बीच में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान है कि 1 अक्टूबर दिन में 10 बजे सब इकट्ठे होंगे पूरे देश में, वैसे ही रेलवे में, पूरी रेलवे में नागपुर और हमारे छोटे स्टेशन हिंगनघाट, चंद्रपुर, बल्लारशाह, आमला, बैतूल, जुनारदेव, काटोल, नरखेड़, सब जगह पे हमारे ऑफिसर्स की टीम हर स्टेशन को पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए 10 से 11 के बीच में स्वच्छता का जो है अभियान चला रही है और साथ में हर जगह जो है जन भागीदारी जो है पूरी सुनिश्चित की जा रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी, चाहे वो माननीय सांसद हैं, चाहे वो विधायक साहब लोग हैं, सब लोग में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। बैतूल में माननीय सांसद दुर्गादास जी सहयोग कर रहे हैं, वर्धा में माननीय सांसद रामदास तड़स साहब सहयोग कर रहे हैं, आज आप देख ही रहे हैं हमारे बीच में मोहन मते साहब उपलब्ध हैं। तो सबके सहयोग से, सबके साथ में मिल करके इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जन भागीदारी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि हम जो भी करें सबको सम्मिलित करके करें, जिससे कि पूरा स्टेशन सालों साल ऐसे ही स्वच्छ साफ सुंदर दिखता रहे। माननीय नरेंद्र जी मोदी यांच्या आवाहनानुसार म्हणजे गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला 1 तारखेला शहरात सर्व ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी सरकारी कार्यालय आहे किंवा रुग्णालय आहे, त्याचबरोबर ज्या ज्या भागात लोक राहतात त्या भागात लोकांनी स्वच्छता कशी पाळावी या अवेअरनेसचं कार्य या माध्यमातून सुरू आहे। खऱ्या अर्थानं लोकांमध्ये एक अवेअरनेस यावं की आपण ज्या क्षेत्रात राहतो, ज्या भागात राहतो, तो भाग आपला कसा स्वच्छ राहील याची काळजी बाळगणं सर्वसामान्यांची गरज आहे। खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो, नागपूरच नाही तर आपण भारतात कुठे गेलो तर अस्वच्छता आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसत होती, परंतु ज्या दिवशी प्रधानमंत्री झाले नरेंद्रजी मोदी तेव्हापासून स्वच्छतेविषयी एक अवेअरनेस लोकांमध्ये यायला लागला। आज मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या आवाहनानुसार आज रेल्वे स्टेशनला निरंकारी संस्थेच्या माध्यमातून अनेक लोक, रेल्वेचे कर्मचारी आणि बाकी अन्य सर्व हे स्वच्छतेची मोहीम राबवत आहे। नागपुरात अनेक ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवल्या जात आहे आणि मला असं वाटतं या माध्यमातून लोकांमध्ये खरंच अवेअरनेस येईल आणि नागपूर शहरच नाही तर हा देश स्वच्छतेच्या प्रति जागरूक राहील। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड और अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।